बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर बहुजन समाज के लिए सोचने वाला विषय है। ये बात यहीं से शुरू नहीं हुई, ये बात दिल्ली से शुरू हुई थी और आज ये बात दिल्ली की सरकार तक, जो केंद्र में बैठी है, वहाँ तक पहुँच गई है। तो इस बात पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। साथियों, एक आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का प्रायोजित, आरएसएस का कार्यक्रम, बीजेपी का कार्यक्रम था वो, जिसके द्वारा दिल्ली के लाला जी को प्रोजेक्ट किया गया, उसको दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया गया। साथियों, पहले तो कांग्रेस और बीजेपी मिलकर खेलते थे, अब एक तीसरा पार्टनर और आ गया इनका, लाला जी, ताकि दोनों से लोग नाराज हो जाएं तो लाला जी के पास चले जाएं, रहे इनके ही परिवार में, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं उनके परिवार में रहे। दिल्ली में जब सरकार बनी, उससे पहले प्रचार किया गया खूब दबा करके वाल्मीकि समाज के लोगों में, बहुजन समाज के लोगों में और मुस्लिम समाज के लोगों में, कि ये एक आदमी आया, नया आदमी है और कुछ ना कुछ नया करके दिखाएगा। साथियों, उस समय वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू का लॉन्च किया गया, पार्टी को लॉन्च किया गया, और जैसे ही सरकार बढ़ती है उसके बाद अक्षरधाम मंदिर में दिवाली पूजा होती है, उसके बाद हनुमान चालीसा, कनॉट प्लेस के जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर हनुमान चालीसा होती है, उसके बाद दिल्ली में जो जमुना है उसकी आरती शुरू होती है। साथियों, और ये कहानी यहीं पर नहीं रुकी, ये कहानी साल दर साल बढ़ती गई और जो उन लोगों को बहका करके सरकार में आए थे उन लोगों को नज़रअंदाज करते गए। आपने देखा दिल्ली में जो दंगे हुए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को और दिल्ली के लाला जी की सरकार को लताड़ा है और जिम्मेदार ठहराया है। उन्हीं दंगों में ताहिर हुसैन को फंसाया गया और केजरीवाल आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। दिल्ली के एक मुस्लिम मंत्री को केजरीवाल के द्वारा फंसाया गया, सीबीआई ने क्लीन चिट दिया, लेकिन उसके ऊपर आज तक कुछ नहीं बोला, उसे पार्टी से निकाल दिया गया। मैं आपके सामने बैठा हूं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन हमें भी पार्टी से निकाल दिया गया। तो साथियों, ये क्या कारण रहा? और जो अभी लेटेस्ट कारण है, आप देख सकते हो, राजेंद्र पाल गौतम जो इनके मंत्री थे 6 साल से, उन्होंने जब इसी महीने को बाबा साहब अम्बेडकर के जो धम्म दीक्षा समारोह, उसमें जब भाग लिया गया तो उससे पर्दे के पीछे से इस्तीफा ले लिया गया, और इस्तीफा लेने के बाद उसको ये भी बोला गया कि आप थोड़ा सा आराम से रहिए, हो सकता है हम आपको दोबारा बना दें, उसको चुप कराया गया। उसके बाद साथियों, हम लोगों ने मिलकर के राजेंद्र पाल गौतम का साथ दिया और एक यात्रा उसके निवास से बाबा साहब अम्बेडकर के निवास तक निकाली 14 अक्टूबर को। वो यात्रा काफी सफल रही, बहुजन समाज के काफी लोगों ने उसमें सहयोग किया, और वो सहयोग राजेंद्र पाल गौतम का नहीं, ये राजेंद्र पाल गौतम के द्वारा गया किया हुआ साहसिक कार्य है, जो 22 प्रतिज्ञाओं का उन्होंने किया, उसका समर्थन था। साथियों, उसके बाद हफ्ते 10 दिन के बाद दूसरे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया, जो बहुत ही पैसे वाला रिचेस्ट पर्सन है और बहुजन समाज से ही वो आता है, अपने एससी कैटेगरी से आता है, क्योंकि एससी का ही मंत्री बनना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये प्रावधान कर रखा है। तो जो दिया इनको, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और जब पंजाब में चुनाव था तो केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वालों को तुम सावरकर को पढ़ाओ, हम बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाएंगे। आज तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में या पंजाब के स्कूलों में बाबा साहब अम्बेडकर का सिलेबस लागू नहीं हुआ, और आदेश पारित कर दिया कि जी दिल्ली के सरकारी डिपार्टमेंट के अफसरों में, ऑफिस में, सारी जगह बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह का फोटो लगेगा। पंजाब में भगत सिंह का, बाबा साहब का फोटो लगेगा। लोगों ने सोचा कि यह आदमी कुछ नया आदमी है, कुछ अलग करेगा, लगता है ये भगत सिंह के विचारों का आदमी है, लगता है ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का आदमी है, जो शिक्षा की बात करता है, जो स्वास्थ्य की बात करता है, जो भगत सिंह की बात करता है, जो अम्बेडकर की बात करता है। लेकिन साथियों, जैसे ही दिल्ली में 22 प्रतिज्ञाएं हुई, बाबा साहब का फोटो तो लगाते हैं लेकिन बाबा साहब के दिए हुए कार्यों को समर्थन नहीं करते, बाबा साहब के घोर विरोधी है। ये गांधी की औलाद है, जो गांधी ने कहा था कि अगर अछूतों को अधिकार देने पड़े तो इससे तो हम गुलाम ही अच्छे हैं।
तो अछूतों को अधिकार देना इन लोगों की औकात नहीं है, न ये लोग उस प्रवृत्ति के हैं। इनसे तो अंग्रेज बहुत अच्छे थे, इनसे तो अंग्रेज बहुत अच्छे थे। और ये बात यहीं तक नहीं रुकी साथियों, अभी गुजरात में चुनाव है। जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं ली तो वहां केजरीवाल ने जय श्री राम जय श्री कृष्ण के नारे लगाए, हमें कोई दिक्कत नहीं आपके राम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके कृष्ण से, आप कृष्ण के नाम पे वोट मांगिए, आप राम के नाम पे वोट मांगिए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह का फोटो दिखा करके छलावा मत कीजिए। क्योंकि हमेशा से ही आप लोगों के संस्कारों में ये रहा है, आपने हमेशा जो भी लड़ाई लड़ी है वो छल से लड़ी है, चाहे आपने बालिका वध किया हो, चाहे महिषासुर का वध किया हो, जितने भी हमारे बाप पुरुष हैं, चाहे एकलव्य का अंगूठा मांगा हो, आप लोगों ने हमेशा ही छल कपट से अपनी लड़ाइयां जीती हैं और छल कपट आपके डीएनए में है। तो साथियों अब क्या किया, एक बयान आया लाला जी का, दिल्ली के लाला जी का, मैं लाला जी ही कहता हूं क्योंकि ये व्यापारी है, ये राजनीतिज्ञ है या सामाजिक या फिर महापुरुषों की रास्ते पर चलने वाला आदमी नहीं है, ये कंपनी है, आम आदमी पार्टी कंपनी है, ये कंपनी का नाम होना चाहिए था अरविंद केजरीवाल की अपनी कंपनी। और अभी बयान आया गुजरात में कि देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, बहुत दयनीय हालत है देश की अर्थव्यवस्था की, और रुपया रोज की रोज कमजोर होता जा रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए व्यापारी जब अपने दफ्तर में जाता है तो सबसे पहले गणेश की लक्ष्मी जी की पूजा करता है और जब जाकर के अपनी सीट पर गले में बैठता है। उसी तर्ज में इसने कहा लाला जी ने कि एक तरफ गांधी की फोटो है, गांधी की फोटो रहने दो, वो इनका बाप है इसलिए कहा, और दूसरी तरफ गणेश की और लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए भारत की करेंसी पे, ये लाला जी ने कहा और रिकॉर्ड कहा, आज तक पे कहा। और इन्होंने कहा कि मैं चिट्ठी लिखूंगा देश के प्रधानमंत्री को कि ऐसा होना चाहिए। चलो अब सबको पता लग गया होगा देश में, इस देश के बहुजन नालायक बहुजनों को, मैं कहूंगा नालायक बहुजनों को पता चल गया होगा, और नालायक माइनॉरिटी के लोगों को भी पता चल गया होगा कि ये जो आदमी है बाहर से बाबा साहब अम्बेडकर का और भगत सिंह का फोटो दिखाता है लेकिन इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का आवास है। ये मुझे लगता है मनुवादियों के लिए राजनीति में एक नया चमत्कार है, अवतार है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर या भगत सिंह के विचारों से प्रभावित है। तो ये तो वही बात हो गई जो इनके यहां कहावत है, मुंह में राम और बगल में छुरी, बाहर बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह, इसके कपड़े उतरवा के देख लो, नंगा करके देख लो, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे छुपा हुआ मनुवाद है वैसे इसकी पेंट के नीचे भी खाकी निकर मिलेगी आपको। आरएसएस का लोग कहते हैं छोटा रिचार्ज, ये छोटा रिचार्ज नहीं आरएसएस का, ये आरएसएस का 5G है, 5G बचने की जरूरत है आप लोगों को बचने की जरूरत है इस नोटों के ऊपर, करेंसी के ऊपर जो शुरू से ही भारत में लागू हुआ है। हमें नहीं चाहिए ये गणपति और गणेश जी या लक्ष्मी जी। और हम तो कहते हैं कि आप लोग विदेशों में जाके देखिए कौन से जो ना बिल गेट्स ने गणेश का या लक्ष्मी जी का फोटो लगा था वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना, ये कौन सी धारणा है। तो आप लोगों को बचने की जरूरत है इस बेरुपिये से, और मैं तो कहता हूं इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसने देशद्रोह का काम किया है और दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर FIR करनी चाहिए कि जो इस तरह का इसने बयान दिया कि जो है ये इससे जो है ना धन संपदा बढ़ेगी और देश मजबूत होगा। अरे जब ये देश गुलाम था, जब ये देश आजादी से पहले तुम्हारे हाथ में व्यवस्था रही हमेशा से ही, चाहे अंग्रेजों का राज हुआ हो चाहे मुगलों का राज हुआ हो, आप लोगों ने ही उनको बहकाया और उनके साथ लगे रहे हमेशा राज दरबारी बनकर के, और आज भी वही काम कर रहे हैं लोग। और बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात मुझे याद आती है, आज बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि इस देश की राजनीति का दुर्भाग्य होगा जब इस देश की राजनीति में वैश्य समाज आएगा, बढ़िया समाज आएगा। क्यों कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर को पता था कि बढ़िया व्यापार करता है राजनीति कभी नहीं करेगा, राजनीति की आड़ में वो व्यापार करेगा। और मैं आपको बता दूं 1 करोड़ से कुछ लाख
रुपये की पेमेंट हुई है पंजाब सरकार से फेसबुक को। अभी दो तीन दिन पहले मैंने जसराज जस्सी जी की फेसबुक पर वो देखा था, इन्होंने विज्ञापन दिए जो फेसबुक को, पंजाब के लोगों का पैसा फेसबुक के माध्यम से गुजरात में लगाया जा रहा है, दिल्ली में लगाया जा रहा है, पूरे देश में डंडोरा पीटा जा रहा है। तो ये बचने की आवश्यकता है आप लोगों को। और बहुजन समाज के जो नालायक लोग बैठे हैं, इसके साथ बैठे हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। अरे तुम एक बाप की औलाद हो और बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हो, छोड़ दो आज इस बेरुपिये को, छोड़ दो आज इसको गांधी की औलाद को, और आ जाओ समाज में, हम इसकी नाक के नीचे से दिल्ली की सीएम की कुर्सी निकाल के लाएंगे, दलित और मुसलमान इकट्ठे होकर करके। दिल्ली आप लोगों की है, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आती सही बात। आप लोग हमेशा इसलिए काम करते हैं कि आपको सुरक्षा प्रदान रहे। अरे सुरक्षा देने वाले की औकात क्या इनकी है जो हमें सुरक्षा देंगे? आप अपने आप में सक्षम है। आप लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, चाहे गोरेगांव का इतिहास हो, चाहे रविदास मंदिर की लड़ाई हो, कोई सी भी लड़ाई उठा करके देख लिए, हमेशा बहुजन समाज के लोगों ने जीती है। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है इस लाला से। मैं तो कहता हूं जितने भी हमारे भाई हैं उन लोगों को छोड़ देनी चाहिए आम आदमी पार्टी, या जो भी दूसरी पार्टियों में बैठे हैं चमचे बनकर के। साहब कांशीराम कहते थे ना कि चमचा किसी का नहीं होता और उसके इससे कुछ नहीं आता, वो बाद में खाली रह जाता है। आज देख लो चमचों की क्या हालत हो रखी है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से राजेंद्र पाल गौतम जी से भी निवेदन करता हूं कि मुंह पे देके मार इसके इस्तीफा, जो इसने कल बयान दिया उसी के ऊपर इस्तीफा देके मार इसकी पार्टी से, इसकी प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दे, नहीं तो ये आपको निकालेंगे। आप फिर रोते रहना पिटते रहना, समाज आपकी बात नहीं सुनेगा। और मैं कहता हूं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये बात, दिल्ली विधानसभा में 22 प्रतिज्ञाएं पढ़िए राजेंद्र पाल गौतम जी, और जब ये लाला आपका विरोध करता है इसके मुंह पे फेंक के मारना इस्तीफा, और बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं उड़ाना विधानसभा में ऐसे, है ना। और आप अंदर ये काम करना और हम लोग बाहर खड़े रहेंगे, देखते हैं इसका ये लाला कैसे विधानसभा से बाहर निकलता है। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, अब वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, अभी खड़ा होना पड़ेगा आप लोगों को। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के हुक्मरान हो। अरे नालायक हो, अरे गधे के बच्चे हो तुम लोग, जो अपने महापुरुषों की बात नहीं मानते। ज्योतिबा फुले चले गए तुम्हें समझाते समझाते, बाबा साहब अम्बेडकर चले गए, मान्यवर साहब काशीराम चले गए, और आप लोग धीरे धीरे निश्चय नाबूत हो जाओगे इस देश से। बुद्धिज्म का, अम्बेडकरवाद का, सब चीजों का सफाई मनुवादी लोग धीरे धीरे करते जा रहे हैं, और आप लोग चुपचाप अपने घरों में बैठे। आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा आज बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को बचाने के लिए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जितने भी बहुजन समाज के लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कि आप संकल्प कर लो, पूरे देश के बहुजन समाज के लोग, 2025 में चुनाव है दिल्ली में, दिल्ली सरकार का, पूरे देश के पूरी दुनिया के बहुजन आ जाओ दिल्ली, और इस लाला को उस सीएम की कुर्सी से हटाने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि वोट हमारे ज्यादा है, और जिसके वोट ज्यादा होते हैं उसका राजा बनता है। और तुमने गुलामों को भेज दिया है, चूड़े चमारों को जीता जीता करके भेज दिया विधानसभा में कि मेरे समाज का आदमी है। आज कोई नहीं बोल रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो होना चाहिए नोट के ऊपर, सम्राट अशोक का फोटो होना चाहिए नोट के ऊपर, भगत सिंह का, अशफाक उल्ला खान का, महापुरुषों का जिन्होंने आजादी दिलवाई इस देश को, उनका फोटो होना चाहिए। कमाल कर दिया, आप लोग कितने नालायक लोग हो, तुम्हारी हड्डियों में पानी भरा पड़ा है। मुझे नहीं लगता तुम महापुरुषों की औलाद हो, कहीं ना कहीं मिलावट है तुम्हारे लोगों में, जो तुम लोग अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते। अरे सीखो, सीखो लोगों से, सीखो छोटे छोटे कंट्रियों से कैसे लड़ रहे बड़े बड़े कंट्रियों से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो व्यक्ति अपने इतिहास के अनुसार काम। मैं आप लोगों से इसी अपील के साथ दोबारा से निवेदन करता हूं कि इस बेरुपियों को पहचानो, इस लाला को पहचानो, इस व्यापारी को पहचानो, इसने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का, और ये बेड़ा गर्क देश का करने जा रहे हैं। तो साथियों आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो बेरुपिया लाला है ये किस तरह का आदमी है, और ये किस तरह के कार्यक्रम चलाना चाहता है। ये हम सबको बहका करके हमारा वोट लेकर के दिल्ली पे काबिज होगा, फिर पंजाब पे काबिज होगा, और गुजरात के दलितों से खासकर अपील करूंगा कि इसको अगर तुम्हारे यहां वोट लेने आए तो इसको कहना कि 22 प्रतिज्ञाओं पे आपका क्या राय है, बाबा साहब अम्बेडकर नास्तिक थे हिंदू नहीं थे उस पे आपकी क्या राय है, और इसकी राय जान करके अगर ये बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं पढ़ लेता है
तो फिर इसको अपने पास बिठाना, फिर इससे बात करना, नहीं तो इसको जूते मार के वहां से भगाओ। दिल्ली से जूते मारने का काम हम लोग करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।